नमस्कार, मैं विवेक शर्मा और आप देख रहे उत्तर बंगाल एवं सिक्किम का लीडिंग नंबर वन न्यूज चैनल एसके लाइव। आज के मुख्य समाचार के प्रस्तुत करता है। कक्षा 10वीं और 12वीं के बच्चों के लिए है सुनहरा मौका। 10वीं के बच्चों के लिए है पैरामेडिकल कोर्स और 12वीं के लिए है मेडिकल कोर्स। अदन पैरामेडिकल एंड नर्सिंग कॉलेज, कॉन्टेक्ट नंबर 8016235569, चंपासारी, सिलीगुड़ी। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी। इंटरनेशनल फर्नीचर, अनबीटेबल प्राइस। विजिट अ रॉयल ओक स्टोर टुडे। घर के फर्श की चमक को रखिए बरकरार, जीप्स निमोल नीम हर्बल के साथ। कालिंपोंग जिले के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग 10 तीस्ता क्षेत्र में 2 लोगों की हत्या, 1 घायल। कल रात कालिंपोंग जिले के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग तीस्ता क्षेत्र में करीब रात के 9:30 बजे 2 लोगों की हत्या का मामला सामने आया है। उक्त घटना से पूरे क्षेत्र में हड़कंप मचा हुआ है। जानकारी के अनुसार स्थानीय निवासी राजकुमार सुब्बा ने सिलीगुड़ी आशीगढ़ थाना अंतर्गत हतिया डांगा जलपाईगुड़ी जिले के रहने वाले रंग मिस्त्री और प्लंबर की हत्या करने का मामला सामने आया है। मृतकों के नाम 26 वर्षीय पेशे से रंग मिस्त्री छोटन सरकार और 31 वर्षीय पेशे से प्लंबर रंजीत विश्वास बताया गया है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार तीस्ता क्षेत्र के निवासी प्रबल प्रधान नामक व्यक्ति के घर में वे मिस्त्री भाड़े पर रहते थे और कल रात उक्त आरोपी राजकुमार सुब्बा उनके घर में घुसकर दोनों पर धारदार हथियार से चाकू से हमला कर दिया, जहां दोनों व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए। कल दोनों को तत्काल अस्पताल में चिकित्सा के लिए ले जाया गया, जहाँ डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। हत्या के वास्तविक कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। वहीं घटना में हाथापाई के दौरान घर के मालिक प्रबल प्रधान भी गंभीर रूप से घायल हुए हैं। उनका इलाज कालिंपोंग जिला अस्पताल में चल रहा है। इस बीच मृतकों की परिजनों का कहना है कि सामान्य झगड़े के दौरान बिना वजह चाकू मारकर उन दोनों की हत्या कर दी गई और आरोपी सुब्बा को कड़ी से कड़ी सजा दिए जाने की मांग मृतकों के परिजनों ने की है। आरोपी राजकुमार सुब्बा को तीस्ता पुलिस ने गिरफ्तार कर कालिंपोंग जिला पुलिस को सौंप दिया है। पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। अंदर रंजीत दादा भेटे थे, एक तल गए थे, सड़क में गए खस्त भैस हो। अर्क तो ती थी अलग सास थी हाला कालिम लेकर आगे लाऊ लाऊ खस्त स्थित अब कई थे अब तो मैं के भाग थे होना गेल खोला को राजकुमार सुब्बा उ लेबर काम करते पैला ड्राइविंग करते हो ड्राइविंग तैंक ड्राइविंग छोड़े थे अब लकडाउन भर पोहर को लकडाउन बस को मसंग हो राम्रोस बस्ते अब राम मिलने साथी सडनली आयो होइन त्यहाँदेखि अन्त सडनली एकछिन बसेँ हामी बात हुँदै थियो त्यो कामको बात हुँदै थियो काम खोजिदिनु भन्दै थियो अन्त अब त जलपाइगुडीको म टिस्टाको तिमीहरू तिम्रो अलिक लेङ राम्रो छ भनेर खोज्नु लाउँदै थियो हो त्यस्तै कुरा चल्दै थियो काम तल पनि हाल्छु भन्दै थियो होइन ऊ आयो एकछिन बस्यो तिमी आएको त भनेर भन्यो ट्याङ्की ट्याङ्कीको थाल्यो हजुर अन्त ऊ रन्जिता छेउमा थियो रन्जितालाई गयो म पट्टि मारेर भुइँमा बसेको थिएँ हजुर ऊ छेउमा थियो नि त दुईजना पलङ बसेको थियो नि त त्यो जुन चाहिँ मर्डर थियो ऊ पलङ बसेको थियो अन्त रन्जिता पलङ भयो अन्त रन्जिताको खुट्टाको छेउमै म बसेको थिएँ त्यहाँदेखि सन्जिता बसेको थियो त्यहाँदेखिको पेन्टर बसेको थियो पेन्टर मिस्त्री अन्त दुईजना भाग्नु सफल भयो भाग्दाखेरि त पेन्टर मिस्त्री लड्यो होला कि अन्त उसलाई पनि लाग्यो अन्त लास्टमा त उयो अलिकति घाइते भएको त उयो रहेछ सन्जय ऊ त निस्केछ मलाई त अन्त ती सेकेन्ड मलाई हिर्काएको बङ्की बङ्किएको थिएँ होइन ए यो हातले गर्दा चाहिँ सेफ भएछु पाँच टुप्पी त यहाँ लागेछ हो हजुर पाँच टुप्पी त यहाँ लागेको थियो कम्ती कम भिकाउँदाखेरि चाहिँ अन्त एक चाहिँ एउटा त यहाँ लाग्यो हो अन्त लास्टमा चाहिँ मलाई राम्रो देखेर होला सायद त्यहाँदेखि यहाँ लङ्समा एट्याक गऱ्यो हो लङ्समा एट्याक गर्दाखेरि चाहिँ लङ्सको टुप अलिक टुप्पो चाहिँ उयो भएको छ तर अलिक जाती चाहिँ भएको छ यहाँ र अक्सिजन हालिरहेको छ। सिलीगुडी में सोने के बिस्कुट के साथ महाराष्ट्र निवासी गिरफ्तार। डीआरआई ने सिलीगुड़ी में गुप्त सूचना के आधार पर अभियान चलाकर सोने के बिस्कुट के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। आरोपी का नाम रंजीत हनुमंत राव यादव बताया जा रहा है। वह महाराष्ट्र के सांगली का रहने वाला है। डीआरआई सूत्र के अनुसार संजीत हनुमंत राव यादव बुधवार शाम आसाम नंबरी वाली बस में सिलीगुड़ी के वर्धमान रोड पहुंचा, जहां तलाशी के दौरान डीआरआई ने उसे सोने के बिस्कुट के साथ गिरफ्तार कर लिया। उसे सिलीगुड़ी कोर्ट में पेश किया गया। इस संबंध में सरकारी वकील त्रिदीप शाह ने बताया कि जब्त किए गए प्रत्येक सोने के बिस्कुट का वजन 18 ग्राम है। आरोपी के पास से कुल 998 ग्राम वजन के 8 सोने के बिस्कुट बरामद किया गया।
एयरपोर्ट के वाहनों में महिलाओं की सुरक्षा के लिए शुरू किया गया रेस्पेक्ट वुमन हेल्पलाइन। सेफ ड्राइव सेव लाइफ योजना की 5वीं वर्षगांठ के अवसर पर सिलीगुड़ी मेट्रोपॉलिटन पुलिस महिलाओं की सुरक्षा के लिए बागडोगरा हवाई अड्डे के प्रत्येक वाहन में महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए रेस्पेक्ट वुमन हेल्पलाइन चालू किया गया है। इसके साथ ही इस खास मौके पर बिना हेलमेट के मोटरसाइकिल चलाने वालों को हेलमेट सेफ ड्राइव सेव लाइफ का स्टिकर सिविक वॉलंटियर के लिए किट प्रदान किया गया। इस अवसर पर सिलीगुड़ी नगर निगम के प्रशासनिक बोर्ड के प्रशासक गौतम देव, उत्तर बंगाल के आईजी डीपी सिंह, पुलिस आयुक्त गौरव शर्मा और जय टुडू मौजूद थे। गौतम देव और गौरव शर्मा ने अपने संबोधन में लोगों से ट्रैफिक नियमों का पालन करने का आह्वान भी किया। देखिए, सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है सिलीगुड़ी की लोकेशन। सिलीगुड़ी एक बड़ा ही स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड शहर है। इसके साथ आप देखेंगे कि यहाँ पे इम्पोर्टेंट जंक्शन NJP स्टेशन है, बागडोगरा एयरपोर्ट है, जंक्शन है। यहाँ पे बहुत सारा टूरिस्ट आता है, बहुत लोग बाहर से आता है तराई द्वार्स हिल्स में जाने के लिए। प्लस यहाँ पे नेबरिंग स्टेट्स हैं, बिहार है, भूटान जाने के लिए लोग आते हैं। तो इससे क्या होता है कि इस एरिया में बहुत सारा लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवलिंग कैब्स चलता है, बहुत टैक्सीज चलते हैं। और इसके अंदर हम चाहते हैं, क्योंकि आज सेफ ड्राइव सेव लाइफ का एक हमारा कैंपेन का 5th एनिवर्सरी भी है, कि सेफ्टी ऑन रोड सबके लिए होनी चाहिए। तो जनरली जब रास्ते में कहीं प्रॉब्लम होती है, मैं सिर्फ ड्राइवर्स मतलब पैसेंजर्स की बात नहीं कर रहा, मैं ड्राइवर्स की बात कर रहा हूँ, कहीं कोई दिक्कत हुई, किसी के साथ कोई अघटन हो रहा है, या उसको कहीं भी कोई डाउट होता है, कई बार रास्ते में चलते हुए हमको किसी चीज़ पे संदेह हुआ, तो लोगों को अचानक ये नहीं समझ में आता हम कॉन्टैक्ट कैसे करें। तो इसके लिए हमने ये स्टिकर बनाए हैं। इसमें हमारे स्टिकर के अंदर हमारा जो कंट्रोल रूम नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी भी दिया हुआ है, और इसमें हमने स्पेसिफिकली लिखा हुआ है टेक अ स्नैपशॉट, ताकि बैठते ही जो भी इंसान है वो अपने फ़ोन में इसका स्नैपशॉट ले लें, याद रहे उनको कि हमारे कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं। और इसके साथ जब भी ये कहीं पे भी ट्रैवल करें, हिल्स में करें, तराई में करें, द्वार्स में करें, कहीं पे भी दिक्कत हो, पुलिस इज़ जस्ट अ फ़ोन कॉल अवे। हमारा सिलीगुड़ी एक सेंट्रली लोकेटेड सिटी है, कहीं पे भी इनको प्रॉब्लम होती है, अगर इस नंबर पे हमारे पास कॉल ड्रॉप होगा, हम वहाँ के कंसर्न यूनिट को, वहाँ के कंसर्न मोबाइल्स को एक्टिवेट करेंगे, और जो भी प्रॉब्लम जहाँ पे भी किसी भी इंसान को है उसको इमीडिएटली हेल्प प्रोवाइड कराएंगे। और इसका स्लोगन हमने दिया है रिस्पेक्ट वुमेन। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के अंदर हमने जनरली देखा है, हम भी अपने फैमिलीज में रहते देखा है कि वुमेन रियली यू नो दे फेस लॉट ऑफ इनकन्वीनियंस एट टाइम्स। सो इन पब्लिक ट्रांसपोर्ट, स्पेशली व्हेन दे आर मूविंग इन कैब्स और इन बसेस, वहाँ पे ये मैसेज सब तक पहुँचाना, टू रिस्पेक्ट वुमेन, टू रिस्पेक्ट देयर डिग्निटी व्हेन दे आर इन पब्लिक ट्रांसपोर्ट और एनी वेयर फॉर दैट मैटर। तो ये हमने इसका साथ में स्लोगन रखा है, मतलब वी आर स्पेसिफिकली कंसर्न्ड एंड वी वुड स्पेसिफिकली वेलकम the safety of women on any kind of transport. मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की बढ़ेंगी मुश्किलें। बंगाल के 4 सांसदों को मंत्री बनाने के पीछे भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की है गहरी रणनीति। केंद्र में सरकार के कामकाज में सुधार के लिए पीएम नरेंद्र मोदी ने भले ही पुराने नेताओं की जगह सफल पेशेवरों को नियुक्त किया हो, लेकिन बंगाल से चुने गए 4 मंत्रियों को लेकर भाजपा की गहरी रणनीति हो सकती है। भाजपा केंद्रीय नेतृत्व बंगाल के 4 सांसदों को मंत्री बनाकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को विभिन्न मोर्चे पर टक्कर देने के लिए तैयार है। भाजपा स्पष्ट रूप से 2024 के लोकसभा और 2026 के पश्चिम बंगाल चुनावों पर ध्यान केंद्रित कर रही है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री बने भाजपा सांसद निश्चित प्रमाणिक चुनाव बाद हिंसा व कानून व्यवस्था तथा खासकर भाजपा कार्यकर्ताओं पर हो रहे हमले को लेकर काफी मुखर रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के डिप्टी के रूप में वहां निश्चित रूप से कानून और व्यवस्था पर ध्यान केंद्रित करेंगे, ताकि न केवल बंगाल की खराब कानून व्यवस्था की स्थिति को उजागर किया जा सके। शांतनु ठाकुर का उत्थान विशाल मतुआ समुदाय में भाजपा की स्थिति को मजबूत करने के लिए हुआ है, जितना कि डॉक्टर सुभाष सरकार का उद्देश्य बांकुड़ा, पुरुलिया, झारग्राम, पश्चिम मेदिनीपुर बेल्ट में पार्टी की स्थिति को मजबूत करना है, जहां आदिवासियों के वोट भाजपा को मिले, जैसे उत्तर बंगाल में राजवंशी और दार्जिलिंग की पहाड़ियों में गोरखा। देश में कोरोना महामारी के बीच मंडराया एक और खतरा। केरल में आया जाइका वायरस का नया मामला, 13 सैंपल पाए गए पॉजिटिव। केरल में कोरोना महामारी के प्रकोप के बीच जाइका वायरस ने दस्तक दे दी है।
केरल की स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज ने गुरुवार को बताया कि राज्य में जाइका वायरस के मामले सामने आ गए हैं। यह पहला मौका है जब केरल में जाइका वायरस के मामले सामने आए हैं। राज्य की राजधानी के एक अस्पताल में पिछले महीने एक 24 वर्षीय गर्भवती महिला को बुखार, सिरदर्द और चकत्ते के साथ भर्ती किया गया था। जांच के शुरुआती परिणामों में जाइका वायरस के हल्के असर के संकेत मिले थे। बाद में 19 नमूनों की जांच की गई, जिनमें 13 में जाइका वायरस की रिपोर्ट आई। अब इन सभी नमूनों को NIV पुणे भेजा गया है। अब लेते हैं छोटा सा ब्रेक, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। कक्षा 10वीं और 12वीं के बच्चों के लिए है सुनहरा मौका। 10वीं के बच्चों के लिए है पैरामेडिकल कोर्स और 12वीं के लिए है मेडिकल कोर्स। किफायती फीस और बैंक की सुविधा के साथ विभिन्न डिग्री डिप्लोमा है उपलब्ध। सभी स्ट्रीम के बच्चों के लिए खुली है AICTE, KNC, INC, PCI द्वारा अनुमोदित भारत सरकार और राज्य संकाय बेंगलोर विश्वविद्यालय के तहत PCI नई दिल्ली ISO 9001:2008 से प्रमाणित अदन पैरामेडिकल एंड नर्सिंग कॉलेज। कॉन्टैक्ट नंबर 8016235569। चंपा सारी सिलीगुड़ी। दवाइयों से छुटकारा अल्कलाइन पानी का सहारा। पहले 100 कस्टमर को मिलेगा 20 लीटर का जार। कोविड पैकिंग के साथ मात्र ₹125 प्रति जार, वह भी 2 साल तक। ऑफर के बाद वाले कस्टमर को मिलेगा ₹200 प्रति जार। अल्कलाइन के फायदे डायबिटिक, एसिडिटी, कोलेस्ट्रॉल एंड ब्लड प्रेशर, वेट लॉस, गिव्स एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ टू आवर लंग्स। तो इंतजार किस बात का, आज ही बुकिंग करें। टोल फ्री नंबर 1800-572-9851। अब वक्त आ गया है अपने सपनों को एक नई पहचान देने का। अवेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर आपके लिए लेके आए हैं डिप्लोमा एंड कोर्सेज, जैसे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, टैली, जावा, HTML, DTP, C++, पाइथन जैसे बहुत से कोर्सेज एंड डिप्लोमा। और आपको मिलेगा होलोग्राम सील्ड सर्टिफिकेट गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल अंडरटेकिंग, जो आपके हर सपने को देगा एक नई उड़ान। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, Gate No. 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी। घर के फर्श की चमक को रखिए बरकरार जीप्स निमोल नीम हर्बल के साथ, क्योंकि निमोल हर्बल नीम घर को साफ ही नहीं रखता बल्कि 99.9% जर्म्स और बैक्टीरिया का जड़ से सफाया भी करता है। घर को स्वच्छ बनाइए, आप भी अपनाइए जीप्स निमोल। Are you dreaming to wake up under the calming Turkish skies? Make it a reality and bring home the Turkish collection from Royal Oak. Just a click away. International furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. 50-70% कम कीमतों पर ऑर्किड बिल्डिंग ऑपोजिट वेघा सर्कल 2.5 माइल सेवक रोड सिलीगुड़ी। एसके लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। एसके लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूअरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, लामपुर से लेके माइनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है, शुरू करते हैं खबरें। कतार के दोहा में मालदा के आम ने बिखेरा जलवा। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भारतीय आम की मांग बढ़ी। कतार के दोहा में 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव में मालदा के आम भी शामिल है। इस अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव में मालदा के मशहूर फजली, नेगरा, लक्षण भोग समेत 8 किस्म के आम को प्रदर्शित किया गया। मालदा के आम को विश्व बाजार में बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने यह खास पहल की है। मालदा मैंगो मर्चेंट एसोसिएशन ने 8 किस्म के आम को मालदा से दोहा के कतार के लिए भेजा था। यह अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव बुधवार और गुरुवार को 2 दिनों तक चला। मालदा मैंगो मर्चेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष और पश्चिम बंगाल एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन के सचिव उज्जवल शाह ने कहा, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से प्रेरित होकर मालदा ने कतार में विश्व प्रसिद्धि फैजली, नागरा और लक्षण भोग सहित 8 किस्म के आम को प्रदर्शित किया। इस उत्सव में मालदा के आम लोगों को अपनी ओर आकर्षित किया। इस बीच इंटरनेशनल
मैंगो फेस्टिवल में मालदा के आम ने सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा। नतीजातन आम के और दो कंटेनर के ऑर्डर मिले हैं। उन्होंने कहा कि निकट भविष्य में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मालदा के आम की मांग और बढ़ेगी। कातारेर दोहाते विश्वव्यापी आम उत्सव गतकाल थेके शुरू होयेछे, आज के शेष दिन। आमरा पश्चिमबंग तथा मालदार 8 प्रजातिर आम विश्वव्यापी आम उत्सवे पाठाते पेरेछि। विशेष करे मल्लिका, आम्रपाली, लक्षणभोग, ल्यांगड़ा, फजलि, এই সমস্ত আমগুলো আমরা পাঠাতে পেরেছি। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী শ্রীমতী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মালদায় এসে উনি বলেছিলেন যে আমরা আমও চাই, আম সত্ত্বেও চাই। আমাদের জেলার আম ব্যবসায়ীরা, আম চাষিরা উৎসাহিত হয়েছিলেন। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর অনুপ্রেরণায় এবং অ্যাপেডার সহযোগিতায় আমরা পশ্চিমবঙ্গ তথা মালদার আম কাতারের দোহাতে আন্তর্জাতিক উৎসবে পাঠাতে পেরেছি। ইতিমধ্যে কাতারে আমাদের আমের, মালদার আমের যথেষ্ট চাহিদা বেড়েছে এবং আমরা লক্ষ্য করছি যে দু কন্টেইনার আমের আবারও বরাত এসছে। এতে করে আমাদের রাজ্যের, আমাদের মালদা জেলার আমের যারা ব্যবসায়ী, আম চাষি, তারা উপকৃত হবে, তাদের অর্থনৈতিক বুনিয়াদ শক্ত হবে এবং সেই সঙ্গে প্রচুর মানুষ এই কাজের সঙ্গে যুক্ত হবে। আমরা এই জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে আন্তরিকভাবে অভিনন্দন এবং কৃতজ্ঞতা জানাই। रायगंज थाने की पुलिस ने लाखों रुपए के गांजे के साथ एक व्यक्ति को किया गिरफ्तार। रायगंज थाने की पुलिस ने गैर सरकारी बस से करीब 23 किलो गांजा बरामद किया। इस मामले में पुलिस ने नयन दास नामक एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। दरअसल पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर सिलीगुड़ी से बालूरघाट जाने वाली एक नाइट सर्विस बस में तलाशी अभियान चलाया था और उसी तलाशी अभियान के दौरान इस व्यक्ति के पास से 23 किलो गांजा बरामद किया गया। पुलिस को पता चला कि आरोपी पिछले काफी दिनों से गांजे की तस्करी कर रहा था। पुलिस ने आरोपी को अदालत में पेश कर रिमांड पर ले लिया है ताकि पूछताछ कर ये पता लगाया जा सके कि इस मामले में और कौन कौन लोग जुड़े हुए हैं। देश में 24 घंटों में 45,000 से कम नए कोरोना केसेस, 911 संक्रमितों ने गवाई अपनी जान। कोरोना संक्रमितों की संख्या में आज पहले से गिरावट दर्ज की गई, लेकिन मौत का आंकड़ा कम होता नहीं दिख रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटों में 43,393 नए कोरोना केसेज आए और 911 संक्रमितों ने अपनी जान गंवाई। इससे पहले बुधवार को 45,892 केसेज आए थे। वहीं पिछले 24 घंटों में 44,291 लोग कोरोना वायरस से ठीक भी हुए, यानी कि कल 784 एक्टिव केसेस बढ़ गए। इस बीच 8 जुलाई तक देश भर में 36,89,00,000 कोरोना वैक्सीन के डोज दिए जा चुके हैं। बीते दिन 40,23,000 टीके लगाए गए। वहीं अब तक करीब 42,70,00,000 कोरोना टेस्ट किए जा चुके हैं। बीते दिन करीब 18,00,000 कोरोना सैंपल टेस्ट किया गया, जिसका पॉजिटिविटी रेट 3% से कम है। देश में कोरोना से मृत्यु दर 1.32% है, जबकि रिकवरी रेट 97% से ज्यादा है। एक्टिव केस 2% से कम है। कोरोना एक्टिव केस मामले में दुनिया में भारत का चौथा स्थान है। कुल संक्रमितों की संख्या के मामले में भी भारत का दूसरा स्थान है, जबकि दुनिया में अमेरिका, ब्राजील के बाद सबसे ज्यादा मौतें भारत में हो रही है। चुंकू लामा बने जयगांव दो नंबर ग्राम पंचायत के नए प्रधान। जयगांव दो नंबर ग्राम पंचायत के नए प्रधान के रूप में चुंकू लामा ने गुरुवार को अपना पदभार संभाला। 21 सीटों के जयगांव दो नंबर ग्राम पंचायत के 12 पंचायत सदस्यों ने पूर्व प्रधान फुरबा लामा के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव दाखिल किया है। इस बीच आज प्रधान का मुख्य चुनाव था और चुंकू लामा नए प्रधान के रूप में चुने गए। इस संबंध में तृणमूल के जयगांव दो क्षेत्र के अध्यक्ष मोहम्मद अब्दुल मानिक ने कहा कि तृणमूल के जिला और प्रखंड नेतृत्व की अनुमति से चुंकू लामा को नया प्रधान मनोनीत किया गया। रामदा दीदी का सैनिक का होने का नाते जिस तरह से पूरा बंगाल की अंदर नेतृत्व दे रहा है, उनका देखते हुए आज हम लोग सैनिक होने का नाते जयगांव दुई नंबर अंचल कमेटी उपस्थित में हम लोग का कोर कमेटी साथ हम लोग का जीपी वाइस प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी, सेक्रेटरी मेंबर
समस्त उपस्थिति में हम लोग का जेपी टू चेयरमैन गणेश बहादुर प्रधान, हमारा उपस्थित हमारा डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी हमारे रजवाली महाशय, साथ ही उपस्थित ब्लॉक वाइस प्रेसिडेंट शशिकांत सिंह वांगेल लामा, हम लोग का जनरल सेक्रेटरी जेपी टू का तारक सानू, जितने भी उपस्थित कार्यकर्ता, हम लोग का पंचायत मेंबर, हम लोग का जितने भी पंचायत मेंबर नाइस से शुरू करके सपिगुल से शुरू करे अभिजुल से जितने भी है उपस्थिति में आज साबित हो गया तृणमूल कांग्रेस का आज प्रधान गठन हुआ है सबका समर्थन में, जो उनका नेतृत्व में डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जो हम लोग का मृदुल गोस्वामी, जो उनका नेतृत्व में जो आज जो उनका जो नेतृत्व में पासांग लामा श्री हम लोग का ये कोऑर्डिनेटर, हम लोग का ब्लॉक सभापति गणेश महाली, उन लोग का नेतृत्व में गंगा प्रसाद शर्मा, उन लोग का नेतृत्व में आज हम लोग का सफल हो गया। मैं इतना बोलना चाहता हूँ, आज का जो ये प्रधान गठन हुआ मानविक सरकार का मानविक प्रधान, जो आगामी दिन में जो जयगांव का जो परिस्थिति है ट्रेड लाइसेंस से लेके रेसिडेंशियल से लेके जितने भी समस्या जो 100 वर्कर्स का जो जितने भी लेबर काम जितने भी समस्त आगामी दिन में पूरी अच्छी तरह से काम करेगा और सब मिलके हम लोग एक साथ होके जयगांव का कल्याण के लिए, जयगांव को उन्नयन के लिए जो भी कदम उठाने पड़ेगा हम लोग तैयार है। आज मानविक सरकार का मानविक जो आज जीपी टू का प्रधान हुआ हम लोग का सुंकु लामा, हम लोग का मैडम जो इनका ऊपर में बड़ा दायित्व आया है, हम लोग भी चाहते हैं तृणमूल कांग्रेस हम लोग का कोर कमेटी जितने भी हम लोग भी चाहते हैं इनको साथ में आगामी जो 2.5 साल का जो अभी पथ है ये 2.5 साल के अंदर में जो विगत दिन में जो हल हो गया है जो कल का दिन में ऐसा ना हो पब्लिक के लिए सोशली अच्छी तरह से एकदम काम करे यही हम लोग का उम्मीद। मानव अधिकार आयोग के सदस्यों ने चोपड़ा में चुनाव बाद हिंसा का लिया जायजा, पीड़ितों से की मुलाकात। केंद्रीय मानवाधिकार आयोग का एक प्रतिनिधिमंडल चुनाव के बाद हुए हिंसा की जांच करने के लिए गुरुवार को उत्तर दिनाजपुर जिले के चोपड़ा के घिरनी गांव ग्राम पंचायत के गुयाबारी गांव का दौरा किया। बता दें कि चोपड़ा में 2 मई को विधानसभा चुनाव के नतीजे घोषित होने के बाद अलग अलग इलाकों में बदमाशों द्वारा काफी संख्या में लोगों को प्रताड़ित करने की शिकायतें मिली थी। आज कुलबीर सिंह के नेतृत्व में मानवाधिकार आयोग की 3 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने गुयाबारी गांव में इलाके के रहने वाले दीपंकर शर्मा के घर का दौरा किया। वहां उन्होंने दीपंकर और उनके परिवार से कुछ देर बाद की। प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों ने उनसे व विधानसभा चुनाव के बाद हुई हिंसा के बारे में जानकारी ली। हाँ जेटा घटना घटे बोले दिल हाँ हमारे कथा क्यों हमें जेटा है वो बोल ठीक ही आ घटना घटा घटा जाए আমি আর এটাই দাবি রাখবো যা আমার হয়েছে আমাকে একটু স্বাস্থ্য যা ঘটনা হয়েছে আমাকে একটু মেলে ভালো করে চলো। আমি তো বর্তমানে একেবারে খুব নাথিং হয়ে গেছে এটাই আর কি বলবো। দোষীদের শাস্তির দাবি করছে কিনা? হ্যাঁ দোষীদের শাস্তির দাবি করছে। যখন আমি যা আমার ঘটনা ঘটেছে যা ঘটনার পর আমি বাড়ি আসলাম, আসার পরে তাও যে এই পাথর ঝাঁটা ঝাঁটি হচ্ছে এটা আমার ভালো লাগে। এখনো হচ্ছে, এখনো হচ্ছে। আজ কে লিয়ে বাস ইতনা হি, অর খবরো কে লিয়ে দেখতে রে এসকে লাইভ। আপকা সময় আপকি খবর, ধন্যবাদ।